नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की पड़ताल। सोशल मीडिया पर एक कब्र की खुदाई का वीडियो वायरल हो रहा है। 1.5 मिनट के इस वीडियो में 3 लोग मिलकर एक कब्र को खोद रहे हैं। कब्र को खोदने के बाद अंदर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद जब कैमरा इस गड्ढे के ऊपर जाता है तो अंदर एक व्यक्ति आसन जमाए कुछ बोलते दिखता है। वायरल वीडियो के साथ दावा है कि पंजाब पुलिस ने पीर साहब की पोल खोल दी। सबसे पहले आप वायरल वीडियो को देखिए। यूजर कालूराम चौधरी ने वायरल वीडियो ट्वीट कर कैप्शन लिखा, मुरीदों के पुकारने पर पीर साहब कब्र से जवाब देते थे। जब पंजाब पुलिस को पता चला तो पीर साहब को आवाज समेत कब्र से बाहर निकाल लिया। फेसबुक पर भी वायरल वीडियो को ऐसे ही मिलते जुलते दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। दी ललन टॉप ने वायरल वीडियो का सच जानने के लिए पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वायरल दावा भ्रामक निकला। वायरल वीडियो पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। सबसे पहले हमने जिस यूजर ने वायरल वीडियो को अपलोड किया है उसके ट्वीट पर जाकर कमेंट चेक किए। एक यूजर ने कमेंट में वीडियो को पाकिस्तान का बताया है। इसके बाद हमने कीवर्ड्स की मदद से इंटरनेट पर सर्च शुरू की तो घटना से जुड़ा एक वीडियो रिपोर्ट यूट्यूब पर मिला। पाकिस्तानी चैनल 24 न्यूज HD के यूट्यूब चैनल पर 15 फरवरी 2020 की वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस ने एक जाली पीर को गिरफ्तार किया है। वह लोगों को झांसा दिया करता था कि वह कब्र में जाता है और जिंदा निकलकर आ जाता है। साथ ही उसका दावा है कि वह ऐसा पहले भी कर चुका है। पीर का नाम सगीर शाह बताया जा रहा है। दरअसल उसने कब्र के अंदर एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जिसमें उसने हवा के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम किया हुआ था। उसने अंदर एक फोन भी रखा हुआ था जिससे वह अपने खास मुरीदों को कॉल करके जरूरत की चीजें मंगवा लिया करता था। ट्विटर पर हमें पाकिस्तानी पत्रकार अदील राजा का एक ट्वीट मिला। 15 फरवरी 2020 को किए गए इस ट्वीट में वायरल वीडियो को देखा जा सकता है। अदील ने भी वीडियो को पाकिस्तान के सियालकोट का बताया है। इसके अलावा अलग अलग यूट्यूब चैनल्स ने भी वायरल वीडियो को पाकिस्तान के सियालकोट का बताया है। फाइनल नतीजा आपको बताते हैं। हमारी पड़ताल में वायरल दावा भ्रामक साबित हुआ। वायरल वीडियो 2 साल पुराना है जिसका संबंध पाकिस्तान के सियालकोट से है, ना कि पंजाब से। इससे पहले साल 2021 में भी यही वीडियो ऐसे ही मिलते जुलते दावों के साथ वायरल हुआ था। आपके लिए ये पड़ताल की है हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।